श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। दोस्तों आज 14 अगस्त और अधिक मास चल रहा है, सावन महीने का छठा सोमवार आज के दिन पड़ रहा है। इसी प्रकार कल की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर जीवन में धन से लेकर बहुत समस्या आ रही है, धन घर में नहीं आ रहा है, धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, घर में जो भी पैसा आता है अनावश्यक खर्च हो जाता है, आते ही चला जाता है, यानी कि पैसा कहीं से आ नहीं रहा है बल्कि जो रखा हुआ है वो भी जा रहा है। दर्शकों अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि सावन महीने के इस छठवें सोमवार की तिथि को केवल तुलसी में बांध देना, यह एक चीज, धन के सारे मार्ग खुल जाएंगे, पैसा बहाने मार मार कर आएगा, पैसे पानी की तरह आएंगे। दोस्तों ये जो उपाय है ये उपाय वास्तव में बड़ा ही कारगरी है। इस उपाय को एक बार आप पूरे विश्वास के साथ कर देखेगा, आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। और पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो भी मनुष्य जो भी जातक पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करता है तो उसे वास्तव में ही लाभ की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आपने भी सुना होगा कि पूरे विश्वास पर ही धरती टिकी हुई है। कहते हैं कि अगर मन में भक्ति हो और दिल में विश्वास हो तो कंकर में भी शंकर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आज का ये उपाय बड़ा ही कारगरी है। दोस्तों आज सावन महीने का सोमवार पड़ रहा है, इसी प्रकार आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने हैं। साथ ही दोस्तों धन खींचने के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आपका आज की इस वीडियो में मैं कुछ उपाय बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव के मुख से स्वयं बताए गए हैं। इन उपायों को किस प्रकार से करना है इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और आपकी जो भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, हम उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी तरह दोस्तों आप लोगों को इस उपाय को आज के दिन करना है। सबसे पहले तो दोस्तों कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं ये वास्तव में बहुत ही भोले हैं। कहते हैं कि भगवान शिव एक लोटे जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और जातक के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आज सावन महीने का सोमवार पड़ रहा है तो आज के दिन आप भगवान शिव को एक लोटा जल मात्र अर्पित करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, कहीं से धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक धन खर्च हो रहा है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार ठप पड़ चुका है, तो ऐसे में आज आप सोमवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है। और कहा जाता है कि 3 सालों बाद अधिक मास का ये संयोग 3 वर्षों बाद बनता है। और कहते हैं कि 3 वर्षों के बाद बने इस संयोग पर अगर हम जो भी उपाय करते हैं तो उसमें हमें 100% ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दोस्तों इस दुर्लभ और महासंयोग के दौरान अगर हम किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई भी छोटा या बड़ा उपाय करते हैं तो उसमें हमें 100% ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दोस्तों कहते हैं कि जो धन होता है, धन की देवी स्वयं माता लक्ष्मी होती है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि मनुष्य को अगर धन की अपनी कमी को दूर करना है तो उसके लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। और दोस्तों कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का निराकार रूप तुलसी का पौधा माना जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के निराकार रूप तुलसी के पौधे की पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट विपदा को दूर कर देती है। इसी प्रकार दोस्तों आज सावन महीने का सोमवार पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है, बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है और अधिक मास के 3 वर्षों बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। तो आज रात्रि में आप परदोष के समय इस उपाय को करें। आप एक लाल धागा ले लें, उसी के साथ ही चौमुखी दीपक, और आपको चौमुखी दीपक में घी डालना है। घी डालने के बाद आपको चौमुखी दीपक को, आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ में जला देना है। दोस्तों कहते हैं कि चौमुखी दीपक को तुलसी के पौधे में इस दिन जलाने से या फिर किसी भी दुर्लभ संयोग पर जलाने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की जो विपदा होती है वो दूर हो जाती है, चारों तरफ से आ रहे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक लाल धागा अपने हाथ के बराबर लेना है और तुलसी के तने में आप लोगों को अपने जीवन के तमाम कष्टों को बोलते हुए वहां पर बांध देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन के तमाम कष्टों से लाभ मिलता है, तमाम कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय बड़ा ही कारगरी है, एक बार कर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।